हेलो एवरीवन, आज का जो टॉपिक है वो एनर्जी है। ये वर्क एनर्जी और पावर चैप्टर का एक पार्ट है और इसको हम लोग समझेंगे। एनर्जी डिफाइन कैसे किया जाता है, तो इसकी डेफिनेशन के लिए हम बोलते हैं एनर्जी इज़ अ कैपेसिटी टू डू वर्क। तो अगर शॉर्ट में बोलना होगा तो ऐसा बोलेंगे कैपेसिटी टू डू वर्क। सो किसी भी सिस्टम के पास अगर कैपेसिटी है वर्क करने के लिए तो हम बोलेंगे कि उसके पास एनर्जी है, राइट। सो कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई सिस्टम वर्क परफॉर्म कर सकता है, अगर कोई एक ऐसा सिस्टम है जो वर्क परफॉर्म कर सकता है तो हम बोलेंगे कि उसके पास एनर्जी अवेलेबल है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल से पहले इस पॉइंट को इलस्ट्रेट करते हैं कि लेट्स अपने पास एक ब्लॉक है या मास है एम, और जो किसी हाइट पर सिचुएटेड है, ऐसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं काइनेमेटिक्स में भी। तो इसको रिलीज़ करेंगे तो हम बता सकते हैं कि क्या होने वाला है इसके साथ। क्या ये यहाँ पर स्टे करेगा? नहीं, ये बल्कि डाउनसाइड आएगा और नीचे हिट करने वाला है। तो कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा वो भी हम पता कर सकते हैं। और क्यों चलेगा? क्योंकि इसके पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है और इसके पास डिस्प्लेसमेंट भी आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो ये पोजीशन पर अगर आपने एक ब्लॉक को रिलीज़ किया तो आप पाएंगे कि ये डाउनसाइड जाएगा, जिसका दूसरा मीनिंग ये निकलेगा इस पर एक फोर्स एक्ट किया और इसने एक डिस्प्लेसमेंट किया। दैट मीन्स रिलीज़ करने के बाद वर्क हुआ और दैट वर्क इज़ डन बाय दी ग्रेविटी, ग्रेविटी ने वर्क परफॉर्म किया। और वो वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा ग्रेविटेशनल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इतना अमाउंट का वर्क डन होगा। जिसका मतलब हम ये इंटरप्रेट करने वाले हैं कि अगर इस ब्लॉक को आपने यहाँ पे रिलीज़ किया तो इस ब्लॉक के पास कैपेसिटी थी वर्क परफॉर्म करने की। अगर किसी भी सिस्टम के पास कैपेसिटी होती है वर्क करने के लिए, उसको हम बोलते हैं कि उसके पास एनर्जी है। दैट मीन्स इस ब्लॉक के पास इस पर्टिकुलर सिचुएशन पर एक एनर्जी है और उस एनर्जी को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सी एनर्जी है और कैसी एनर्जी है। बट द पॉइंट इज़ कि इस ब्लॉक के पास वर्क परफॉर्म करने की कैपेसिटी है और इसी कैपेसिटी को हम एनर्जी बोलते हैं। तो एक एग्जांपल है जो आपको बताता है कि कैपेसिटी कैसे वर्क में कन्वर्ट की जा सकती है। एनीवे आगे हम लोग और भी पढ़ेंगे कि कई तरह से कैपेसिटी क्रिएट की जा सकती है, बट अगर ऐसा कैपेसिटी है कि उससे वर्क परफॉर्म हो सके तो हम बोलेंगे कि इस सिस्टम के पास एनर्जी है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप हम वर्क डन करते हैं किसी सिस्टम में तो उसकी कैपेसिटी बनती है, दैट मीन्स उसके पास एनर्जी आती है। सो इफ वर्क इज परफॉर्म्ड ऑन अ सिस्टम देन सिस्टम गेन्स एनर्जी इसका मतलब हुआ, ये जस्ट इसके रेसिप्रोकल टाइप का है कि अगर आपने वर्क किया किसी सिस्टम पर तो बेसिकली आपने उसकी कैपेसिटी बिल्डअप कर दी, यानी उसके पास उसको एनर्जी एडअप कर दी। सो पॉइंट इज कि जो वर्क है और जो एनर्जी है, वर्क एंड एनर्जी दे आर इंटर कन्वर्टेबल। वर्क विल बी गेटिंग कन्वर्टेड इंटू एनर्जी, एनर्जी विल बी गेटिंग कन्वर्टेड इंटू वर्क, राइट। सो यहाँ से आपको एनर्जी के बारे में आइडिया लगा होगा कि ये वर्क से रिलेटेड है। कैपेसिटी टू वर्क इज एनर्जी एंड इफ यू डू वर्क देन एनर्जी इज बीइंग बिल्ड अप। नाउ एनर्जी एक बहुत ब्रॉड टर्म है और इसके कई सारे टाइप्स होते हैं। अगर आप टाइप के बारे में बात करोगे सो एनर्जी कैन बी लाइक काइनेटिक एनर्जी आपने वर्ड सुना होगा, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी जिसको हम थर्मल एनर्जी भी बोल सकते हैं, रेडिएशन एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी। सो देयर कैन बी एन नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एनर्जी, केमिकल एनर्जी, यू नो। सो उन सारी एनर्जीज को अभी लोग अभी नहीं पढ़ने वाले हैं। अपना अभी जो फोकस होगा वो मैकेनिकल एनर्जी पर फोकस होगा क्योंकि हम लोग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। सो मैकेनिकल एनर्जी क्या है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। नाउ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में अगर बोला जाए सो मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली टू टाइप्स होती है। मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते हैं मोशन और रिलेट। मोशन का मतलब होता है या तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा। सो उसी के अकॉर्डिंग जो एनर्जी रहती है उसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। सो ऐसा बोल सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी इज़ ड्यू टू
आइदर द पोजिशन और द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो इसको लिख सकते हैं एनर्जी विच इज़ बेसिकली कैपेसिटी टू डू वर्क, एनर्जी ड्यू टू मोशन और पोजिशन ऑफ अ सिस्टम। अगर किसी सिस्टम के पास एनर्जी अवेलेबल है एंड दैट एनर्जी इज़ आइदर ड्यू टू मोशन ऑफ द सिस्टम और पोजिशन ऑफ द सिस्टम, देन वी विल से सच एनर्जी इज मैकेनिकल एनर्जी एंड दिस मैकेनिकल एनर्जी डिफरेंट फ्रॉम द अनदर टाइप ऑफ एनर्जीज। ओके, ओवरऑल ऑल एनर्जीज आर द सेम, दे कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन टू अनदर, बट हेयर द फोकस इज ऑन दिस मैकेनिक्स पार्ट ऑफ इट, सो दैट वी विल फोकस ऑन मोशन एज वेल एज पोजिशन आस्पेक्ट। बेस्ड ऑन दिस डेफिनेशन इसकी कैटेगरीज भी हैं, दो कैटेगरीज में आता है। फर्स्ट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, द सिंपलेस्ट वन, एंड सेकेंड विल बी नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग शॉर्ट में के ई लिख सकते हैं, के ई, के फॉर काइनेटिक, ई फॉर एनर्जी। नाउ अगर आपको काइनेटिक एनर्जी डिफाइन करना है तो हम बोल सकते हैं दिस इज द कैपेसिटी टू डू वर्क ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। So this is due to motion of an object. I'm writing in short, due to motion of an object or a system. I'm writing a system. System can be consist of one object or several objects. So due to motion of a system, there will be a capacity to do work, and that capacity to do work will be known as kinetic energy of that system. ना इस काइनेटिक एनर्जी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है या फार्मूला क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि इफ़ अ पार्टिकल, अब हम पार्टिकल से स्टार्ट करेंगे फिर सिस्टम की तरफ जाएंगे, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स की तरफ भी जा सकते हैं। इफ़ अ पार्टिकल ऑफ मास एम हैज वेलोसिटी वी, देन its kinetic energy is defined as or is given as, so how we write its kinetic energy, most of you must be knowing this kinetic energy is written as half mv square. So kinetic energy is going to be written as half mv square. Now whether it's a kinetic energy or potential energy or any type of energy, so energy ka since work se connection hai aur wo ek dusre mein convertible hai, तो इसकी भी जो यूनिट होती है, कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यूनिट ऐसा यूनिट की हम लोग बात करेंगे वो जे से लिखा जाएगा, जे फॉर जूल। तो इसका यूनिट वर्क के यूनिट के बराबर होता है। और दूसरा पॉइंट, एनर्जी कोई भी एनर्जी हो ये स्केलर क्वांटिटी होती है, एनर्जी इज़ स्केलर क्वांटिटी, दैट मीन्स उसके लिए आपको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये छोटे से पॉइंट हैं जो आपको याद रखना है। ना ये मैंने एनर्जी के लिए लिखा हुआ है, वेदर से काइनेटिक, पोटेंशियल, हीट, सोलर, जियोथर्मल और केमिकल और व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी यू आर विटनेसिंग, सब के लिए ऐसा यूनिट जूल रहेगा और स्केलर क्वांटिटी जैसे ये बिहेव करेगा। और भी यूनिट्स होते हैं बट हम लोग ऐसा यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक सिंगल पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपके सामने है। नाउ यहाँ पर मास, आपको मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पता होगा, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट पता होगा, उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे और उसको स्क्वायर कर देंगे तो अपने को एक आंसर मिल जाता है। कई बार हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी, इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। सो इसको लिखना होगा वी डॉट वी। आप जानते हो कि वेलोसिटी किसी भी वेक्टर का, उस वेक्टर से डॉट करते हैं तो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर आता है। तो आप देखोगे इवन दो ये वेलोसिटी इन्वॉल्व हो रहा है, ये वेलोसिटी इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन वो डॉट प्रोडक्ट होने के बाद ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के स्क्वायर है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के स्क्वायर है, दैट मीन्स इट इज़ हाफ एम मॉड ऑफ वी वेक्टर स्क्वायर। नाउ सिंस ये मॉड ऑफ वी आ रहा है, इसका अंदर उसकी डायरेक्शन का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, और एम एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए इंटायर नंबर क्या हुआ, स्केलर हुआ। कई बार आपके दिमाग में आएगा कि वेलोसिटी यूज़ किया है, वेलोसिटी से बना हुआ है, वेलोसिटी वेक्टर है तो इसको भी वेक्टर होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज वी आर यूजिंग वेलोसिटी इन सच अ वे कि उनका डॉट प्रोडक्ट हो रहा है और वो एक नंबर में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इट डिपेंड्स ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में कई बार कई तरीके से पूछा जाता है। तो जब कभी स्पीड कांस्टेंट होगी तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी, अगर वेलोसिटी वैरी कर रहा है तब भी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो सकता है। माइंड इट, वेलोसिटी वैरी कर रहा है तब भी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो सकता है,
वो तब जब वेलोसिटी इस तरह से वैरी कर रहा है कि केवल उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड नहीं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड नॉट ऑन द डायरेक्शन। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप नोट कर लीजिए और एग्जाम के लिए क्रिटिकल रहता है डिसीजन लेने के लिए। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड नॉट ऑन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी तो लास्ट में आपने पॉइंट लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, इसको आप दिमाग में रखेंगे। ओके, नाउ लेट्स से कि अपने पास एक से ज़्यादा पार्टिकल्स हैं और वो मूव कर रहे हैं। लेट्स से एक ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है, इस तरह से बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और सभी मूव कर रहे हैं और सभी के मासेस हैं, जिसमें किसी एक को पकड़ते हैं। जैसे ये इसका मास एम आई है और इसके पास वेलोसिटी वी आई है, तो इसी तरह से आई की वैल्यू 1 से लेकर के एन तक जा रहा है, बहुत सारे नंबर्स हैं। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे, नेट काइनेटिक एनर्जी या फिर टोटल काइनेटिक एनर्जी? टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। सब जानते हो कि ये स्केलर क्वांटिटी है तो सब, और ये पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉजिटिव भी होती है। यहाँ से आप देख सकते हो कि एम पॉजिटिव होगा, वी स्क्वायर पॉजिटिव होगा, हाफ पॉजिटिव होगा, तो काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। नाउ सिंस ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं तो टोटल के लिए हमको ऐडअप करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी टोटल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकेंड पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द थर्ड पार्टिकल एंड सो ऑन अप टू वट एवर द नंबर इज गिवेन, यू कैन राइट दैट। और शॉर्ट में आप ऐसे लिखते हो समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ आई एथ पार्टिकल, विच कुड बी रिटन एज ए समेशन ऑफ हाफ एम आई वी आई स्क्वायर। तो इस तरह से आप काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो। और दूसरा टर्म, और इसको इस तरह से भी बोल सकते हो कि आप ऐसा लिखोगे हाफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर प्लस हाफ एम थ्री वी थ्री स्क्वायर, और इसको इस तरह से लिखते रहेंगे। जितने भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे या पार्टिकल्स होंगे सभी को निकालेंगे। अगर आपने सभी को कैलकुलेट कर लिया तो पूरे सिस्टम की आपको काइनेटिक एनर्जी पता चल जाएगी, जिसमें सभी पार्टिकल्स की इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी को हम ऐड कर सकते हैं। छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट मीन्स टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स, राइट? एंड दैट्स हाउ यू कैन फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। कई बार क्या होता है कि एडवांस लेवल पे जाने के लिए अगर काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन आता है या फिर कभी मेंस में भी पूछ लेगा कि आपको एक ऐसा सिस्टम देगा जिसमें ये पार्टिकल इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, यानी कंटिन्यूअस मास होगा और हर मास की वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है। तो जैसे कि मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लेट्स से अपने पास एक सिस्टम है, ये सिस्टम है, और ये पूरा सिस्टम का मास जो है वो एम है, टोटल मास एम दिया गया। दिस सिस्टम कंटेन्स कैपिटल एम मास, और इसकी जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल है। दैट मीन्स इसका कुछ पोर्शन किसी और वेलोसिटी से जा रहा है, कुछ पोर्शन किसी और वेलोसिटी से जा रहा है, सब अलग अलग वेलोसिटी से जा रहा है। और आपको बताना है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। और ये पूरा एक सिंगल मास है जो कि अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर सकता है, जैसे कि स्ट्रेचेबल स्प्रिंग ले लो आप, स्प्रिंग अगर मूव कराओगे तो अलग अलग पार्ट अलग अलग वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा, सिमिलर थिंग्स, राइट? तो अपने को क्या करना होगा कि इस पर एक छोटा सा सैम्पल कंसिडर करेंगे, बहुत छोटा सा सैम्पल, जिसके मास को हम बोलेंगे डीएम। जब हम डीएम बोलते हैं इसका मतलब है दैट इज़ अ डिफरेंशियल मास। तो उस ओवरऑल मास में एक छोटा सा डीएम पकड़ेंगे। अब वो डीएम कैसे पकड़ा जा सकता है उसके बारे में लोग बात करेंगे। उस डीएम के पास कितनी वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी को हम पकड़ेंगे। और अगर हमको एक छोटे से पार्टिकल के पास वेलोसिटी पता चलती है तो उसको लिखेंगे डिफरेंशियल काइनेटिक एनर्जी, राइट? सो लेट मी राइट ओवर हियर, डिफरेंशियल काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू डिफरेंशियल मास डीएम। जब किसी भी क्वांटिटी के आगे हम लोग डी वर्ड यूज़ कर देते हैं, है ना, इसका मतलब ये होता है कि वो, जैसे हम लोग जानते हैं कि डेल्टा एम क्या होता है, चेंज इन मास, तो डीएम भी होता है चेंज इन मास विच इज स्मॉलर। और ऐसे टर्म को पढ़ते हैं डिफरेंशियल मास एलिमेंट, क्योंकि हम लोग जानते हैं डी का मतलब डिफरेंशियल होता है, इसलिए उसको डिफरेंशियल मास एलिमेंट पढ़ेंगे। तो डिफरेंशियल काइनेटिक एनर्जी
ड्यू टू डिफरेंशियल मास इज गिवन बाय, उस डिफरेंशियल काइनेटिक एनर्जी को लिखेंगे डी के ई, के ई काइनेटिक एनर्जी है, उसका डिफरेंशियल वर्जन हम लोग लिख रहे हैं डी के ई इज इक्वल टू हाफ, एग्जैक्टली सेम फार्मूला। जब हम लोग डिफरेंशियल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब एक सिंगल सा पार्टिकल है, छोटा सा पार्टिकल है, और किसी भी पार्टिकल के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ मास, मास इज डी एम इंटू वी, उस डी एम की वेलोसिटी वी है, इसलिए उसको वी स्क्वायर बोलेंगे। और यहाँ पे v वेरिएबल होगा क्योंकि हर मास की वेलोसिटी अलग अलग है, बट ये v इस समय क्या लिखा हो गया है, इस समय v है, v इज वेलोसिटी, ऑफ कोर्स इट्स अ वेलोसिटी, बट ऑफ व्हाट, इट इज वेलोसिटी ऑफ डिफरेंशियल मास dm। जो डिफरेंशियल मास आपने लिया उसकी वेलोसिटी आपको लिखना है। एक बार आपने लिख लिया तो फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। इस पॉइंट से आप ये भी लर्न कर रहे हो कि किस तरह से हम लोग जो डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है और इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है, कैसे हम फिजिक्स में यूज़ करते हैं। सो डिफरेंशियल मास के लिए डिफरेंशियल काइनेटिक एनर्जी यूज़ करेंगे, और इसके बाद आपको टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना होगा, तो इस तरह की सभी काइनेटिक एनर्जीज को ऐड कर देंगे, जैसे यहाँ पे समेशन ऐड किया गया है। ऐसा हो सकता है मैंने बोला हो या नहीं बोला हो, तो अभी बोलता हूँ कि समेशन हम वर्ड यूज़ करते हैं जब डिस्क्रीट पार्ट होते हैं, यानी अलग अलग पार्ट होते हैं, और समेशन का ही एक वर्जन होता है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन तब यूज़ किया जाता है जब वो कॉन्टीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है या कॉन्टीन्यूअस क्वांटिटी का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा होता है। तो अगर हम डी के ई दोनों तरफ इंटीग्रेशन वर्ड यूज़ करें, तो जिस तरह से यहाँ पे समेशन चल रहा है उसी तरह से यहाँ पे इंटीग्रेशन चलता है। सो इंटीग्रेशन बोथ साइड अप्लाई करोगे तो ये बनेगा इंटीग्रेशन हाफ डी एम वी स्क्वायर। नाउ ये जो लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है वो आपको समझ में आ गया होगा, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब आपको टोटल अगर कैलकुलेट करना है तो इंटायर पार्ट को इंटीग्रेट करना पड़ेगा लिमिट्स लगा करके टोटल मास को। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये बनेगा हाफ, आप चाहो तो हाफ को बाहर निकाल सकते हो क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन वी स्क्वायर, वी वेरिएबल होगा क्योंकि हर एक एलिमेंट का मास बदल, हर एक मास एलिमेंट की वेलोसिटी बदल रही होगी, तो वी स्क्वायर डी एम कर देंगे, वी स्क्वायर डी एम कर देंगे। सो इस फॉर्मूले को भी हम लोग याद रख सकते हैं, दिस इज़ द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी जब डिफरेंट डिफरेंट मासेस के पास डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी होगी। अगर इंटायर बॉडी एक ही वेलोसिटी से चल रहा है, इंटायर बॉडी एक वेलोसिटी सिंगल वेलोसिटी से चल रहा है, सो आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, इन केस अगर वेलोसिटी सेम हो गया तो फिर ये क्या हो जाएगा, तो इफ़ वी इज़ कॉन्स्टेंट दैट मीन्स वी की वैल्यू सेम है, तो आप बोलोगे वी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपको मिलेगी हाफ वी स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एम, और इंटीग्रेशन डी एम की वैल्यू कितनी होती है एम, तो हाफ वी स्क्वायर एम दैट मीन्स हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। तो ये जो हम लोगों ने पढ़ा था हाफ एम वी स्क्वायर वो डायरेक्टली था, और अगर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के पास अलग अलग वेलोसिटी रहेगा देन यू विल फाइंड कि हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। ओके, लेट्स कंसीडर दिस एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल, ये बोलता है एक अ पार्टिकल ऑफ मास 4 kg, तो मास की वैल्यू आपको दी है, मूव्स विद वेलोसिटी दिस, वेलोसिटी की वैल्यू आपको गिवन है, आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछता है, तो जिस मोमेंट पे ये वेलोसिटी है उसी मोमेंट पे काइनेटिक एनर्जी आपको पता करनी है ऑफ कोर्स। तो अब पता करोगे कि क्या गिवन है, मास की वैल्यू 4 kg है, लिस्ट कर लोगे, एंड वेलोसिटी की वैल्यू भी आपको पता चल रही है, ट्वाइस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 kF, पॉज कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो देन चेक करने का, और ये मीटर पर सेकेंड यानी प्रॉपर यूनिट पे चल रहा है, ऐसा यूनिट फॉलो इज बीइंग फॉलोड। फिर आप याद रखोगे काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालना है, सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर, और आप वी स्क्वायर मॉड ऑफ वी निकालिए, मैग्नीट्यूड निकालिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, बोथ विल वर्क, सो विच इज़ आल्सो इक्वल टू हाफ एम मॉड ऑफ वी का स्क्वायर, जिसको हम लोग सिंपली हाफ एम वी स्क्वायर पढ़ लेते हैं, सभी का एक ही मीनिंग है। सो पॉइंट इज़ कि पहले से हमको वी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहिए, सो हाउ टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड, इसको आप यहाँ पे लेके आएंगे और वी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, इसकी जो वैल्यू आती है आप जानते हो अंडर रूट 2² आएगा, प्लस ऑफ माइनस 1² आएगा, प्लस 2² आएगा, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे 4 + 4 = 8 + 1 = 9, तो ये 3 हो जाएगा, और एक बार आपने इसको सॉल्व कर लिया तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो हाफ एम वी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करके, हाफ इज़ हाफ, एम इज़ 4, वी इज़ 3 स्क्वायर ऑफ 8, सो दिस नंबर कुड बी रिटन एज 2 × 9, दैट इज 18 जूल, और वट एवर द आंसर यू कैन डू द कैलकुलेशन, बट पॉइंट इज कि अगर वेलोसिटी आपको वेक्टर के फॉर्म में गिवन है तो उसे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, अगर डायरेक्ट मैग्नीट्यूड गिवन है तो डायरेक्ट यूज़ करेंगे और अपना आंसर बता देंगे।
नाउ लेट्स कंसिडर अनदर इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल. ये बोलता है कि फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ यूनिफॉर्म स्प्रिंग. एक यूनिफॉर्म स्प्रिंग दी गई है आपको जिसका मास एम दिया गया है और इसका एक एंड आपको फिक्स किया गया है एंड अनदर एंड इज बीइंग मूव्ड विद वेलोसिटी वी नॉट. सो दूसरा वी नॉट वेलोसिटी से मूव कराया जा रहा है. ये फिगर बना के दिया गया है. अगर फिगर नहीं भी बनाया गया होता तो आप बना सकते थे. वन एंड को फिक्स करना, सेकेंड एंड को मूव कराना है और मास और वेलोसिटी गिवन है. इसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है. नो कॉमन सेंस से भी देखोगे तो क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर आएगी? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर आएगी? नहीं. ऐसा काइनेटिक एनर्जी तभी आता है जब इंटायर मास की वैल्यू वी नॉट वेलोसिटी से चल रहा होता. यहाँ पे आप पाओगे कि डिफरेंट डिफरेंट मास डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से चल रहा होगा. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, क्या इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा आएगी या फिर कम आएगी? तो ये भी देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है ये वी नॉट से जा रहा है और जैसे ही आप इधर आओगे तो वेलोसिटी कम होती रहेगी और ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे होंगे. इसका मतलब सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी वी नॉट इससे कम है, ऐसा बोल सकते हैं ओवरऑल. सो अगर वी नॉट से कम वेलोसिटी होगी इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर के बराबर भी नहीं होगी और उससे ज़्यादा भी नहीं होगी, बल्कि उससे कम होगी. कम होगी तो कितना वैल्यू होगा उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं. एग्जाम में ये आया हुआ था, चार ऑप्शन गिवन थे तो उसमें से एटलीस्ट हम लोग ये दिमाग लगा सकते हैं कि कम वैल्यू को पुट करना है और मार्क करना है, ज़्यादा को नहीं. सो हाउ हाउ वी कैन प्रोसीड फर्दर टू फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू? तो आप बोलोगे कि सिंस ये मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो हम एक छोटा सा मास पकड़ेंगे, उस छोटे से मास के बारे में बात करेंगे. तो यहाँ से लेट से एक्स डिस्टेंस पर जाते हैं. दिस इज़ हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चंस जब वेरिएबल केसेस होते हैं. तो एक्स डिस्टेंस पे जाने के बाद एक छोटा सा सैम्पल कंसिडर करेंगे स्प्रिंग की लेंथ को और उस लेंथ का नाम डी एक्स देंगे, छोटा सा डी एक्स और डिफरेंशियल एलिमेंट डी एक्स, एंड उसका जो मास होगा उसको हम डी एम पकड़ेंगे और इस पर्टिकुलर एलिमेंट के पास जो वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी को हम वी पकड़ेंगे. सो अगर इस डी एम के मास के पास वेलोसिटी वी है तो फिर इंटायर बॉडी के पास कितना काइनेटिक एनर्जी होगा? अभी हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ इंटीग्रेशन वी स्क्वायर डी एम, जहाँ पर वी डी एम की वेलोसिटी होनी चाहिए. यस, ये वी डी एम की वेलोसिटी है, उसी को हम लोग पकड़ रहे हैं. अब इस इंटीग्रेशन को हमको परफॉर्म करना है, इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करना है. हम लोग ऐसा एज्यूम कर सकते हैं ये एक्स इक्वल टू जीरो है और ये x इक्वल टू एल है, यानी स्प्रिंग की लेंथ जो है वो l लेंथ की है, इतना हम पकड़ सकते हैं. जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अपने को लिमिट भी लगाना पड़ेगा. नाउ इसके बाद आपको dm लिखना होगा और v लिखना होगा x के टर्म में, तो वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ. dm का मतलब होगा मास ऑफ दिस छोटा सा लेंथ, यानी dx लेंथ का मास आपको पता करना है. अच्छा, टोटल l लेंथ का मास कितना दिया गया है? l लेंथ का मास m दिया गया है, तो हम बोलेंगे कि m इज द मास ऑफ l लेंथ. सो व्हाट विल बी द मास ऑफ dx लेंथ? तो फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि l लेंथ का मास m होता है, इसलिए 1 यूनिट लेंथ का मास m बाई l हो जाएगा, इसलिए dx यूनिट का मास हो जाएगा, लेंथ का मास हो जाएगा m बाई l इंटू dx, और उसी को हम dm बोल रहे हैं. तो अगर ये आपको समझ में आया तो कैन आई राइट डायरेक्टली कि जो dm की वैल्यू आएगी वो टोटल मास डिवाइड बाई टोटल लेंथ इंटू द लेंथ ऑफ दैट पार्ट जिसका मास dm क्लेम कर रहे हैं. तो ये dm की वैल्यू हो गई. फिर वेलोसिटी के बारे में बात करेगा और ये वेलोसिटी के बारे में बोलेगा कि लीनियरली है. अब लीनियरली उसको एज्यूम भी करोगे. इस पॉइंट की वेलोसिटी कितना है? जीरो, क्योंकि ये फिक्स्ड है, मूव नहीं कर सकते. इस पॉइंट की वेलोसिटी कितना है? वी नॉट. सो अपने पास एक आइडिया रहेगा कि हम लोग इस तरह से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं. मैं अलग से ड्रॉ करता डिफरेंट कलर में कि ये लेट्स से इसमें हम वेलोसिटी प्लॉट करते हैं और ये एक्स की डायरेक्शन है, एक्स की डायरेक्शन है. तो वेलोसिटी शुड बी इंक्रीजिंग लीनियरली. इसका मतलब हुआ कि इट विल बी गोइंग अप लीनियरली फ्रॉम जीरो टू वी नॉट, फ्रॉम जीरो टू वी नॉट. सो इसका मतलब हुआ कि ये जो वेलोसिटी है वो वी नॉट है, मैक्सिमम वाली, और ये किस पॉइंट पर मिलता है? एल पॉइंट पर. और जीरो पॉइंट पर कितना मिलता है? जीरो. अपने को इंटरेस्ट कहाँ पर? एक्स डिस्टेंस पर वेलोसिटी निकालने का है. तो अगर आप एक्स डिस्टेंस पर आएंगे तो यहाँ पर कहीं आएंगे, ये एक्स डिस्टेंस होगा, इसकी ये जो वेलोसिटी है इसी वेलोसिटी पर अपना इंटरेस्ट है. सो अगर ये वेलोसिटी हमको पता चल गया तो अपना काम हो जाएगा. क्या इस डायग्राम से या फिर इस ये ग्राफ को यूज़ करके हम बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं. आप बोलोगे कि एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों सिमिलर हैं, और या फिर इस एंगल का नाम कुछ थीटा दे दो, तो आप बोलोगे कि जो टेन थीटा की वैल्यू है छोटे से ट्राइंगल के लिए वो वी अपॉन एक्स आ रहा है, बड़े ट्राइंगल के लिए वी नॉट अपॉन एल आ रहा है,
तो यहाँ से वी की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, वी की वैल्यू आ जाएगी वी नॉट डिवाइड बाई एल इंटू एक्स। नाउ फ्रॉम हेयर यू गॉट टू नो हाउ द वेलोसिटी इज़ वेरिंग ओवर द डिस्टेंस, फ्रॉम हेयर यू गॉट टू नो व्हाट इज़ द डी एम इज़। नाउ इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे और अपना आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। ये बनेगा हाफ वी स्क्वायर, वी का मतलब होगा वी नॉट बाई एल इंटू एक्स स्क्वायर ऑफ दिस इंटू डी एम, डी एम इज एम डिवाइड बाई एल इंटू डी एक्स। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको बाहर निकाला जा सकता है, जैसे एम कांस्टेंट है और यहाँ से वी नॉट का स्क्वायर आएगा, डाउन साइड से एल क्यूब आएगा, राइट। और इंटीग्रेशन के अंदर आपको बचेगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। जैसे ही आप एक्स स्क्वायर डी एक्स वॉच करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये ड्यूएबल इंटीग्रेशन है। एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक रन करानी है, जीरो से लेकर के एल तक। अगर आप इसको जीरो से लेकर के एल तक इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई एल क्यूब। एंड वॉट दिस इंटीग्रेशन विल टर्न अप, इज इट गोइंग टू बी एल क्यूब बाई थ्री, एल क्यूब बाई थ्री, एल क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा वन बाई सिक्स एम वी नॉट स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस काइंड ऑफ स्प्रिंग इज वन बाई सिक्स एम वी नॉट स्क्वायर। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है और एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस भी है जिसको आप नोट कर सकते हो। ओके, सो दिस वॉज अबाउट द काइनेटिक एनर्जी। इन द नेक्स्ट वीडियो यू विल लर्न अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। थैंक यू।